नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। पितृपक्ष में दिख जाए घर में चींटियाँ तो मिलता है ये संकेत। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं जो भाद्रपद पूर्णिमा पर शुरू होकर अश्विनी माह के अमावस्या पर समाप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर यमलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक अपने परिजनों के द्वारा अर्पित किए गए श्राद्ध तर्पण पिंडदान इत्यादि को ग्रहण करके सर्व पितृ अमावस्या पर वापस अपने पितृलोक को चले जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी अमावस्या तक की यह पूरे 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इन्हें पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान पितर अलग अलग रूप में अपने परिजनों से मिलने आते हैं और उनके द्वारा भेंट किए गए भोजन इत्यादि को ग्रहण करते हैं। पितरों के खास 5 रूप माने गए हैं, जिनमें से एक ब्राह्मण के रूप में पितर आते हैं, तो दूसरे गौ माता के रूप में पितर देवों का वास होता है, तो यही इसीलिए, और साथ ही साथ गौ माता के अलावा गाय, कुत्ता और कौवा। दोस्तों, पितृपक्ष में गौ माता को भोजन जरूर कराया जाता है और कौवे को भोजन कराया जाता है, कुत्ते को भोजन कराया जाता है, कुत्ते को स्वान भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और है 5वीं चीज़ है चींटी। चींटियाँ पितरों का स्वरूप मानी जाती हैं। चींटियाँ शास्त्रों में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है। अगर चींटियों में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास होता है। पितृपक्ष के दौरान घर में निकलने वाली चींटियाँ भविष्य की ओर कुछ संकेत देती हैं। यह संकेत पितरों के द्वारा अपने परिजनों को पहुँचाए जाते हैं। कई बार हम चींटियों का निकलना सामान्य समझते हैं और कई बार इनके निकलने से हमें परेशानी भी होती है, लेकिन दोस्तों पितृपक्ष में चींटियों का निकलना, घर में आना सामान्य बात नहीं है। चींटियाँ घर में पितरों की कृपा से ही आती हैं। अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर में चींटियाँ निकल रही है तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चींटियाँ लाल हैं, काली हैं, इसका भी अलग अलग महत्व होता है। चींटियों का रंग भी मायने रखता है। चींटियाँ ऊपर जाने का मतलब होता है और नीचे आने का मतलब अलग होता है। अगर आप घर में कहीं पर भी लाल चींटियाँ दिखाई दे रही है पितृपक्ष में, तो आप सावधान हो जाइए। इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। लाल चींटियाँ अशुभ का संकेत मानी जाती हैं। भविष्य की परेशानियों का, विवाद, धन से खर्च होने के संकेत भी लाल चींटियाँ देती हैं। अगर लाल चींटियाँ आपके घर में आ रही हैं तो यह सभी अशुभ काम आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन लाल चींटियाँ अगर मुंह में अंडा लेकर घर पर आ रही हैं या फिर आ जाएं तो अच्छा संकेत माने जाते हैं। चींटियों का मुंह में अंडा लेकर घर में आना, चाहे वह लाल हो या फिर काली, इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और आपको अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं अगर काली चींटियाँ आपके घर पर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे बहुत खुश हैं और सुख और ऐश्वर्य का संकेत दे रही हैं। काली चींटियों को खाना खिलाना भी शुभ माना जाता है। अगर चावल के भरे बर्तन से चींटियाँ निकल रही है तो यह भी शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि कुछ ही दिनों में आपके धन में वृद्धि होने वाली है, व्यक्ति के आर्थिक स्थिति में अच्छे सुधार होने की संभावना है। काली चींटियाँ आने से भौतिक सुख व काली चींटियों के लिए भी शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में चींटियाँ दक्षिण दिशा से या फिर साउथ की तरफ से आ रही है, क्योंकि साउथ का जो दिशा है ये पितृदेवों का दिशा माना जाता है, तो साउथ दिशा से दक्षिण दिशा से अगर चींटियाँ आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपके घर आ गए हैं। ऐसे में आप अपने पितरों को भोजन कराना चाहिए। आपको चींटियों को आटे में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर भोजन देना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। दक्षिण दिशा से चींटियों को घर में प्रवेश करना पितरों का आगमन का सूचक माना जाता है। वहीं अगर पितृपक्ष के दौरान एकदम से लाल चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। ऐसे में आपको अपने घर से बाहर जाकर, खासकर पीपल वृक्ष के पास जाकर, आटा और शक्कर मिलाकर चींटियों के लिए भोजन अवश्य ही डालना चाहिए। और घर में भी ज़्यादा चींटियाँ हैं तो आपको उनके खाने
के पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, में अवश्य यानी कि डालना चाहिए, उन्हें खिलाना चाहिए। अगर आपके घर में पितृपक्ष के दौरान चींटियाँ भूखी रहेंगी तो इसका मतलब है कि आपके पितर भी अतृप्त रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे और यह अशुभ माना जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए चींटियों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से चींटियों को नुकसान ना पहुँचे, चींटियों को मारे ना, दबाए ना। चींटियाँ घर में ऊपर की ओर जा रही हैं, किसी दरवाजे पर, दीवार पर, तो ये फिर चढ़ रही हैं ऊपर की ओर, तो यह शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे संकेत दे रहे हैं कि आपका विकास और प्रगति जल्दी ही तेजी से होने वाला है। अगर चींटियाँ नीचे की तरफ उतर रही हैं और घाटे का संकेत देती हैं, ऐसे में आपको पितरों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पितृदोष से मुक्ति के उपाय करने चाहिए। इसके लिए आप रोजाना पीपल वृक्ष पर जल चढ़ा सकते हैं, अपने घर में दक्षिण दिशा में दीपक जला सकते हैं, या फिर ब्राह्मण को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध तर्पण और पिंडदान स्वीकार यानी करना चाहिए, उन्हें भोजन कराएं। दक्षिण और पश्चिम दिशा के अलावा अगर चींटियां आपके घर में उत्तर दिशा से आ रही हैं तो यह शुभ संकेत है। यह है माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का संकेत है। इसका मतलब कि आपके घर में धन लक्ष्मी किस यानी कि जो संबंधित समस्याएँ हैं वो समस्याएँ दूर होंगी। अगर पूर्व दिशा से चींटियाँ आपके घर पर आ रही है तो यह सकारात्मक का सूचना का संकेत दे रही है। घर में जहाँ पर भी आप सोना रखा है, चांदी रखा है, कीमती जवाहरात रखे हैं, चीज़ें रखी हैं, आप रुपये पैसा रखते हैं, उस जगह से अगर काली चींटियाँ निकल रही है तो अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि स्वर्ण आदि धन में वृद्धि होगी। अगर चींटियाँ छत से निकल रही है इसका मतलब होता है कि शीघ्र ही धन संपत्ति और भौतिक चीज़ों में इजाफा होने वाला है। घर में कम संख्या में काली चींटियों की मौजूदगी घर में सुख शांति समृद्धि के लिए सकारात्मक संकेत है। ये पितरों को प्रसन्नता का भी संकेत है, लेकिन अगर चींटियाँ अधिक मात्रा में हो जाए तो यह अशुभ संकेत है। पितृपक्ष के दौरान बहुत अधिक संख्या में आपके घर में अगर चींटियाँ हैं तो आपको अपने घर के बाहर जाकर किसी सुनसान स्थान पर या फिर ऐसे स्थान पर जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं वहाँ पर आपको आटा और शक्कर मिलाकर चींटियों के लिए डालना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की नाराजगी समाप्त होती है और पितृपक्ष में पितृ तृप्त होते हैं। अधिक संख्या में चींटियां दिखने का मतलब है कि पितृ नाराज हैं और अतृप्त है। घर के अंदर काली चींटियां, काली चींटियों का झुंड दिखाई दे तो इसका मतलब है कि बड़ी दुर्घटना होने का संकेत होता है, या फिर घर के अंदर बीमारियों के आने का संकेत भी इसे माना जाता है। जब भी पितृपक्ष के दौरान आपको चींटियों का झुंड अपने घर पे दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके कोई आपसे गलती हो गई है, आपको गलतियों को क्षमा मांगना चाहिए पितृपक्ष में पितरों के लिए, और उनका श्राद्ध तर्पण पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। रोजाना चींटियों को आटा और शक्कर अवश्य ही डालना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान चींटियों को मारे ना और चींटियों को घर में झाड़ू से यानी कि भगाए ना, वो अपने आप ही चली जाएंगे। अगर आपके घर में चींटियाँ निकल आई हैं पितृपक्ष में तो उन्हें कभी भी झाड़ू से आप समेटकर बाहर ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो पितृ नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी आपके जीवन में सुख समृद्धि में कमी लाती है। तो इस प्रकार से आप ये उपाय करें दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिएगा। जय शनिदेव।